हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल रियल कॉन्सेप्ट, एंड वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज हम बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं, तो चलिए जहाँ पे हमने टॉपिक रोका था उससे बात कंटिन्यू करते हैं। तो नया टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इससे पिछले क्लास में हमने मैक्सिमम पोर्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक डील कर लिया था। आज हम बेटा स्पेशली बात करने वाले हैं, मतलब आज हम बात करेंगे थर्मल हीट एक्सपेंशन के बारे में, मीन्स कैसे हीट एक्सपेंड करती है या फिर कैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ हीट या फिर थर्मल एक्सपेंशन आप इसको कह दो। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, यही टॉपिक हमारा बचा हुआ है। और जो छोटे मोटे टॉपिक हैं इसको हम कवर कर लेंगे। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है ऊष्मीय प्रसार, और होता क्या है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी है, जो मतलब मोस्ट प्रॉबेबल है एक्चुअल में, जो तुमको पढ़ना है ये सॉलिड्स में एक्सपेंशन पढ़ना है, सॉलिड्स मतलब ठोसों में, और दूसरा आपको द्रवों में, द्रव मतलब लिक्विड्स, बस ये आपके लिए मोस्ट प्रॉबेबल है, ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स। चलिए अब आपको इसका एग्जांपल देते हैं। थर्मल एक्सपेंशन का थर्मल से ही फीलिंग आती है, थर्मल का मतलब हमेशा याद रखना, यहीं से थर्मोडायनेमिक निकला है, और थर्मोडायनेमिक का ही मतलब होता है कि हीट से रिलेटेड, हीट। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब किसी बॉडी को हीट दें तो क्या होता है, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब प्रसार, फैल जाएगा, लेकिन ये फैलना कैसा होता है उस चीज़ को हम बताते हैं। तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रॉबेबल है दैट इज़ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जब किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो कैसे प्रसार होता है, जब किसी लिक्विड को हीट देते हैं तो कैसे प्रसार होता है, इसके बारे में चलिए डील कर लेते हैं। तो सॉलिड्स का पहले पढ़ लेते हैं और फिर देन लिक्विड का पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान में समझाना है। मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बता दूँ कि इतने दिन बाद आया हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया है, थोड़ा चैप्टर्स का एनालिसिस किया है, न्यूमेरिकल्स को थोड़ा मैंने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं। तो एक बात मुझे पता चला कि बहुत कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चंस नहीं हैं, हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हैं बट मैक्सिमम नहीं हैं। वो क्वेश्चंस बिल्कुल प्योर आपके फार्मूला बेस्ड हैं, प्योर फार्मूलाज बेस्ड, बस आपको समझना है चीज़ें। देखो जब सॉलिड्स में एक्सपेंशन होता है, तो अब आपको बताता हूँ, सॉलिड में ठोसों में एक्सपेंशन तीन प्रकार से होता है, पहले उस चीज़ को समझ लो। जब भी दुनिया का कोई ठोस होगा, किसी भी टाइप का ठोस है, तो जब उसको हम हीट देते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंशन तीन टाइप से होता है। पहला होता है रेखीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रफलीय प्रसार, और तीसरा होता है आयतनीय प्रसार या फिर आयतन प्रसार, जो भी कह लो, आयतनीय भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, आयतनीय प्रसार। जब किसी सॉलिड को आप हीट देते हैं तो वहाँ पर एक्सपेंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तीन में बट जाती है, या तो वो लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा, या तो फिर वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन हो जाएगा, या फिर वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाएगा। रेखीय प्रसार का मतलब लीनियर एक्सपेंशन, क्षेत्रफलीय प्रसार का मतलब या तो एरियल एक्सपेंशन या तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन, आयतनीय प्रसार का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन या फिर आयतनीय प्रसार, ठीक। तो सॉलिड में तीन ही तरह से एक्सपेंशन हो सकता है, इसके अलावा हमें कुछ और इसमें डील नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, जब ये तीन टाइप होगा तो अब ज़रा समझना, ये जितने भी जगह प्रसार होंगे ना, चाहे वो लिक्विड के क्यों ना हो, चाहे वो सॉलिड के क्यों ना हो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ रूल ये कहता है किसी भी टाइप के एक्सपेंशन में, चाहे वो सॉलिड हो या वो लिक्विड है, इसको नोट करके समझ लो, क्योंकि दो मिनट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये इतना इंपॉर्टेंट नोट है, सिर्फ आपको चैलेंज करता हूँ, दो मिनट के अंदर ये तीनों रिलेशन मैं ख़त्म कर दूंगा, एग्जैक्ट दो मिनट के अंदर, इतना इंपॉर्टेंट ये नोट है। जब आप किसी सॉलिड या लिक्विड किसी को भी आप जब क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो, मतलब हीट देते हो, जो भी काम करते हो, तो इस दौरान जो लेंथ में इंक्रीज होता है, जो भी चीज़ें लेंथ में इंक्रीज होती हैं, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, मतलब इंक्रीज डायरेक्ट समझ लो, इंक्रीज इन एनी वेरिएबल क्यों लिख रहा हूँ, बस मेन टर्म समझना, किसी भी चीज़ का इंक्रीज जो होता है वो दो बातों पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। ये देखो मैंने लिख दिया, दो बातों पे डिपेंड करता है,
एक तो उसके इनिशियल चीज़ों पर, एक तो उसके इनिशियल बॉडी पर, इनिशियल वो बॉडी कैसी थी, और दूसरी चीज़ उसी के टेम्परेचर पर, चेंज इन टेम्परेचर। आपने कितना चेंज इन टेम्परेचर किया ये उस पे डिपेंड करता है। आखिर कितना टेम्परेचर बढ़ाया, कितना घटाया, कितना डिक्रीज़ किया, कितना इंक्रीज़ किया, उस चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सर आप समझाना क्या चाहते हैं, अब देखिए 1 मिनट में कैसे समझाता हूँ। जब इस चीज़ को फिर से देख लो, किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ इन एनी वेरिएबल, तुम कुछ भी ले रहे हो अगर उसका इंक्रीज़ हो रहा है तो वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक उसी चीज़ के इनिशियल बॉडी पे और दूसरा उसी के चेंज इन टेम्परेचर पे। अब चलिए इसको एक्सपेंड कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, तीन ही कॉन्सेप्ट कम्प्लीट। क्यों ना सामने लिखे हैं, तो चलिए हम इसके सामने लिख देते हैं। अभी ये खाली स्पेस रहने दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं सॉलिड एक्सपेंशन की, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। रेखीय प्रसार की बात का मतलब है, रेखीय प्रसार का मतलब है ऐसा एक्सपेंशन जो एक लीनियर फॉर्म में हो। भाई दैट टाइप ऑफ एक्सपेंशन विच अकर्स लीनियरली, लीनियरली अगर एक्सपेंशन होता है, जैसे किसी रॉड को हम क्या करें, रॉड को गर्म करें, जैसे मान लो ये रॉड है, इसको हमने क्या किया, हीट दिया, इसको बर्न कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, ठीक, हीट दे रहे हैं। तो होगा क्या, इनिशियल लेंथ एल, इसको हम गर्म किए जा रहे हैं, तो गर्म कर रहे होगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना भाई, गर्म करने का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो आप इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो जो भी कर रहे हो, थोड़ी देर बाद ये इंक्रीज़ होके इसका एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंड ये कर गया कितना है? देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये एक्सपेंड कर गया, तो ये एक्सपेंड करने के बाद एल प्लस डेल्टा एल हो गया। फॉर लेट सपोज एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो आप क्या बोलोगे, एल है इनिशियल लेंथ, ये देखो ये इनिशियल लेंथ ही, तो कहोगे प्रारंभिक लंबाई, इनिशियल लेंथ। और ये क्या है, ये एल क्या है, ये इंक्रीज इन लेंथ है, ये इंक्रीज इन लेंथ है, किसका, रॉड का। अब जरा टर्म समझो, लीनियर एक्सपेंशन डायरेक्टली कहता है जो भी तुम चेंज किए हो, जैसे डेल्टा एल मैंने मान लिया, यही ना लंबाई में चेंज हुआ है, चेंज इन लेंथ मैंने वही लिखा था। तो ये चेंज इन लेंथ दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो उसी बॉडी के इनिशियल लेंथ पे, और दूसरी चीज़ें डिपेंड करेगा उसी बॉडी के टेम्परेचर पे, कितना टेम्परेचर आपने चेंज किया, टेम्परेचर डेल्टा टी, इसको कैपिटल कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये कैपिटल टी, कुछ किताबों में डेल्टा थीटा लिखते हैं, ये लो मैं डेल्टा थीटा भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये बातें क्लियर। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है, देखो ऐसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी भी बॉडी का चेंज उसी के इनिशियल पर डिपेंड करता है, जो मैंने यहाँ नोट लिखा था, और यही डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ है, यही डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर के। जब इन दोनों इक्वेशन को मिलाओगे तो यही तो बनेगा ना, यही मैंने किया है। और जब इसको मिला दोगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो आपको लैंग्वेज एक नई मिलेगी, दैट न्यू लैंग्वेज इज़ फ्रॉम दिस टाइप, डेल्टा एल इज़ इक्वल टू, दिस इज़ अल्फ़ा, यहाँ पे ये कोफिशियंट है जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कोफिशियंट कहते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू एल इंटू डेल्टा टी या फिर डेल्टा थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू डेल्टा टी, दिस रिलेशन इज़ गिवेन ऑन द बुक, दिस रिलेशन इज़ गिवेन इन एनी टाइप ऑफ फिजिक्स बुक, किसी भी फिजिक्स की किताबों में यही लैंग्वेज लिखा होता है अल्फ़ा की। तो ये है आपके सामने, मैंने छोटा सा लैंग्वेज लिख के दिखा दिया निकाल करके कि ये कैसे कैसे डिपेंड करता है। बस एग्जैक्टली इसी रिलेशन को आपको याद रखना है। अल्फ़ा का मतलब है लीनियर एक्सपेंशन, जो कि क्या है आपका, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशियंट है। इस अल्फ़ा को हम ये भी कहते हैं कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इस अल्फ़ा का नाम है कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बस ये बातें नोट कर लीजिए। रेखीय प्रसार, इसका मतलब क्या है, दिस इज रेखीय प्रसार गुणांक।
अल्फा को हिंदी में कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, ये देखो ठीक, रेखीय प्रसार गुणांक। आई होप बातें कुछ क्लियर हुई। जो मैंने नोट लिखा था, मैंने क्या लिखा था, यही लिखा था किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का चेंज उसी बॉडी के दो बातों पे डिपेंड करता है, एक उन्हीं उसी बॉडी के इनिशियल चीज़ों पे और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर पे। ये वही लैंग्वेज है। अब आपको यहाँ से मैजिक मैं सिखा देता हूँ। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, अगर लेंथ में इंक्रीज हो तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज़ नोन एज लीनियर एक्सपेंशन, अगर एरिया में इंक्रीज हो तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए, पूरे वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए, जैसे एक ठोस गोला लो, एक सॉलिड बॉल लो, सॉलिड बॉल को टेम्परेचर दो, तो जब सॉलिड बॉल एक्सपेंड करेगा तो वो चारों डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर तरफ हर डायरेक्शन में फैलेगा, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो अब जिसको ये टर्म समझ में आ गया, एक मिनट में पूरी बातें मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए देखिए, सॉलिड का ही अभी एक्सपेंशन पढ़ा रहा हूँ, यही कोफिशियंट से सेम इसी रिलेशन से अगर आपसे बात करें एरियल, एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन मतलब क्षेत्रफली प्रसार, क्षेत्रफली प्रसार, तो क्षेत्रफली प्रसार में भी क्या लिखोगे, डेल्टा ए लिख दो। डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया। डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस बात पे, एक इनिशियल एरिया, ये देखो इनिशियल एरिया, और दूसरा है किस पे, चेंज इन टेम्परेचर। ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। यहाँ से फिर क्या करो, डेल्टा ए इज इक्वल टू, ये हटाओगे तो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हट जाएगा, तो इस केस में बीटा आता है, बीटा ए इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाई एरिया इंटू डेल्टा टी। दिस इज योर एग्जैक्ट रिलेशन, दिस इज योर एग्जैक्ट रिलेशन। यही फॉर्मूला जरा ध्यान से देखो, ये एल चेंज होगा किस में, डेल्टा ए में, चेंज इन एरिया में। ये एल क्या था, लेंथ था, ये क्या है, एरिया। तो चलिए सब कुछ लिख देता हूँ फिर से एक बार। ये डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया। जब आप टेम्परेचर दे रहे थे तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, कितना क्षेत्रफल बदल गया, परिवर्तन, ये क्षेत्रफल में परिवर्तन है। डेल्टा ए का मतलब है क्षेत्रफल में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो गया, ठीक। ए क्या है, ये ए क्या है, प्रारंभिक परिवर्तन, ओ सॉरी प्रारंभिक क्षेत्रफल, एरिया है ना, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल, और आप इसी को ये भी कह सकते हैं इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया। और टी क्या है, वही चेंज इन टेम्परेचर। ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया घटाया, वही है चेंज इन टेम्परेचर। इसको लिख लो चेंज इन टेम्परेचर। भाई इतना हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं, वो चेंज मतलब बदलाव, कितना ताप में अंतर कर दिया, इसको तापांतर भी कह सकते हो, जितना ये डेल्टा टी आ रहा है हर जगह इसको तापांतर भी कह सकते हो, कितना ताप का अंतर हुआ, वही बातें, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। अब सेम इसी रिलेशन से अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए तो थर्ड नंबर जिसको हम आयतनीय प्रसार कहे थे, आयतनीय प्रसार, तो कुछ इसमें करना नहीं है, इसी फॉर्मूले से कॉपी कर लो, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इंटू डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू गामा, गामा, क्योंकि आयतन वाले को हम क्या लिखते हैं, गामा से, ठीक, गामा से। तीनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है, अल्फा आए तो लीनियर एक्सपेंशन, और कैसा, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये बीटा आया है, बीटा के लिए क्या लिखोगे, कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, हिंदी में कहते हैं, यहाँ से क्या कॉपी करेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक है तो इसको कहेंगे क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक, इसको कहेंगे क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक, ठीक। गामा का सेम एज इट इज। ये डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन। ये वी क्या है, प्रारंभिक आयतन। ये डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तापांतर। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया कोफिशियंट ऑफ
वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, और हिंदी में क्या कहेंगे, ये होगा आयतनीय प्रसार गुणांक। ठीक, ये टर्म कंप्लीट टॉपिक हमारा समाप्त, सॉलिड में एक्सपेंशन कंप्लीट समाप्त। यहाँ पे आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नोट लिख लीजिएगा, आपसे रिलेशन पूछता है, आपसे कहता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ दीज थ्री रिलेशंस, ऑल ऑफ थ्री दीज कोफिशियंट्स, आपसे डायरेक्टली रिलेशन पूछता है कि अल्फ़ा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है। नोट डाउन कर लीजिए भाई, अल्फ़ा बीटा गामा में व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अल्फ़ा क्या है, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हिंदी में रेखीय प्रसार गुणांक। बीटा क्या है, कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक। गामा क्या है, ये है हमारा कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनीय प्रसार गुणांक। इनमें जो रिलेशन होता है वो 1:2:3 का होता है। ठीक, और अगर आपसे इंडिविजुअली पूछे तो अल्फ़ा बराबर, सॉरी, जो बीटा होता है, बीटा बराबर 2 अल्फ़ा होता है, गामा बराबर 3 अल्फ़ा होता है, ये रिलेशन होता है। और इनिशियली तो अल्फ़ा अल्फ़ा होता ही है, पहले वाले को तो अल्फ़ा मानोगे ही मानोगे, तो पहले वाले का रिलेशन स्वयं के साथ अल्फ़ा होता है, बीटा का इसके साथ रिलेशन डबल टाइम्स होता है। अगर आपसे बोले कि अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन बताओ, ये किसका किसका है, ये लीनियर का है, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन को पढ़ोगे आंसर खुद ही आएगा, ये लीनियर का है, ये एरियल का है। अगर आपसे इन दोनों में रिलेशन पूछे तो इसको मार्क कर दो। अगर आपसे लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक में पूछे, लीनियर और ये है वॉल्यूमेट्रिक, तो इसका जवाब दे दो। ठीक, इतनी बातें, इतने पॉइंट क्लियर। अब एकदम डायरेक्ट पॉइंट आता हूँ, अब आता हूँ एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, लिक्विड में कैसे एक्सपेंशन होता है। इसमें दो ही फॉर्मूले एग्जैक्टली, कुछ थॉट दे देता हूँ, थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट देता हूँ। एक्सपेंशन इन लिक्विड, चलिए एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, यहाँ पे दो ही थियरी है, और बच्चों वाली थियरी है, क्योंकि फार्मूला ही इसमें कुछ खास नहीं, यहाँ पे मतलब बहुत वही जो प्रोसेस समझा दी उसी प्रोसेस पे है। लेकिन हाँ, समझने वाली बात क्या है, वो समझने वाली बात ये है कि जब भी हम किसी बर्तन में लिक्विड भरते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मैंने मान लिया कोई बाउल है, बाउल मतलब कोई बर्तन है, कोई गैलन है, जो भी कह लो, कोई बाउल है। जब हम किसी वस्तु, किसी बाउल में पानी या कोई तरल भरते हैं, कोई लिक्विड भरते हैं, तो अब इसको क्या करिए, हमने शुरू किया, इसको हीट देना शुरू किए, गर्म करना शुरू किए, तो ये हर प्रकार के लिक्विड का रूल होता है, हर प्रकार के लिक्विड का रूल होता है कि पहले किसका एक्सपेंशन होगा, पहले बाउल एक्सपेंड करेगा, पहले बाउल एक्सपेंड कर जाएगा, एक्सपेंड, और देन फाइनली लिक्विड एक्सपेंड, देन लिक्विड एक्सपेंड। पहले बर्तन में वृद्धि होगी, पहले बर्तन का प्रसार होगा, सबसे पहले किसका प्रसार होगा, पहले बर्तन में प्रसार होगा, ये रूल है। आप खुद दिमाग से सोचो, बर्तन जो होगा पहले यही तो टेम्परेचर लेगा, ये देखो जो बर्तन होगा पहले यही तो टेम्परेचर लेगा, जब ये टेम्परेचर ले लेगा तो इससे क्या होगा, ये भी तो सॉलिड से बना होगा, तो सॉलिड वाला एक्सपेंशन यहाँ वर्क करेगा कि नहीं। तो इसीलिए द्रवों के एक्सपेंशन में एक बात खास तौर पे शुरू में बताई जाती है कि पहले बर्तन का प्रसार होगा और फिर तरल का प्रसार होगा, तब जाके तरल का प्रसार होगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जब रीड करते हैं टॉपिक को, तो यहाँ पे हम एक बार अपेरेंट एक्सपेंशन पढ़ते हैं, एक बार रियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। अब हम आपको स्टार्ट करते हैं इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। कोई भी बर्तन है, कोई भी बर्तन है, दो टाइप का एक्सपेंशन शो करेगा, फॉर्मूले के साथ नोट कर देते हैं, एक तरफ रियल लिख देते हैं, एक तरफ अपेरेंट। ये है रियल एक्सपेंशन, जिसको वास्तविक प्रसार कहते हैं हिंदी में, वास्तविक
प्रसार, और एक तरफ होता है अपेरेंट, अपेरेंट एक्सपेंशन, आभासी प्रसार। अब तो क्लियर हो गया होगा मैं बात किसकी कर रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ सिंपल सा हमारा छोटा सा फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, चलिए देखिए। वास्तविक प्रसार की कर रहे हैं बात, वास्तविक प्रसार की, तो इसका रिप्रेजेंटेशन गामा होता है, गामा ऑफ रियल, ठीक, गामा ऑफ रियल। तो रियल के केस में इज इक्वल टू क्या क्या लेंगे, क्या क्या चाहिए। तो इस केस में हमें चाहिए होगा कितना रियल वॉल्यूम है डब्बे का, कितना वॉल्यूम है रियल डब्बे का, ठीक, ये हमें चाहिए। एंड इनिशियल वॉल्यूम चाहिए, प्रारंभिक वॉल्यूम कितना था, ये इनिशियल वॉल्यूम, कॉमा चेंज इन टेम्परेचर। जो रिलेशन आप पढ़े हो वहीं से मैं कॉपी कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं वहीं से सारी चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, वहीं से चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। तो इतनी बातें क्लियर, जो रिलेशन आप पढ़े थे वहीं से। हाँ, बस गौर करने वाली बातें ये हैं, कुछ टर्म आप क्लियर रखिएगा, कुछ टर्म आप क्लियर रखिएगा। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, कितना एक्सपेंड हुआ, वास्तविक में कितना परिवर्तन हुआ, ज़रा समझना। यहाँ पे डेल्टा का मतलब है कि वास्तविक में कितना पानी चढ़ गया। चलिए, वास्तव में पानी में प्रसार, वास्तव में कितना प्रसार हुआ। और ये क्या है, जो भी डब्बा था उसका प्रारंभिक आयतन, डब्बा कहो बाउल कहो, प्रारंभिक आयतन ये है। और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। ये छोटा सा टर्म रियल, रियल के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, आभासी का। तो आभासी के भी केस में क्या होगा, सेम वही चीज़ें, ये भी गामा से ही लिखा जाता है, गामा से, बट यहाँ ए कर देंगे, क्यों, अपेरेंट का ए, दिस इज इक्वल टू, यहीं से कॉपी करो। डेल्टा वी, कितना परिवर्तन हुआ, ये चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज इनिशियल एंड दिस इज टेम्परेचर। ये कोफिशियंट आपके न्यूमेरिकल से ही क्लियर होंगे, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर हो गया होगा तो सब में सेम फार्मूला, अगर लॉजिक क्लियर हो गया होगा तो सब में सेम फार्मूला। आभासी प्रसार का मतलब क्या है, कितना आपको आभास हुआ, ये आभासी परिवर्तन किसका, द्रव का आभासी परिवर्तन, आपको कितना आभास हुआ कि पानी का लेवल बढ़ा है घटा है, समझ रहे हो, ये चीज़ है आभासी। ये क्या है, बर्तन का डब्बे का प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक आयतन। और ये कितना टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, तापांतर, तापांतर, कितना टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ठीक। ये दोनों लॉजिक क्लियर, और रियल और आभासी, रियल और आभासी, ये दोनों मिला करके आपके बन जाते हैं एक्चुअल में, जब इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं तो बात करता है बर्तन का भी प्रसार। भाई बर्तन का भी प्रसार बता दो कि बर्तन का कितना प्रसार हुआ। तो चलिए स्पेशली हम यहाँ पे अब लिख देते हैं कि बर्तन में कितना प्रसार हुआ, क्योंकि ये तो हम आभासी पढ़ लिए, ये रियल पढ़ लिए, लेकिन बर्तन का प्रसार तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो बर्तन का प्रसार भी बता दीजिए कि कैसे होगा, बर्तन का प्रसार, बर्तन का प्रसार। चलिए, गामा ऑफ बाउल, सॉरी गैलन कर देते हैं, चलो बी नहीं जी कर देते हैं, जी का मतलब गैलन, आप समझ आओ, गैलन समझते हो ना, गैलन मतलब डब्बा, या बाउल कर लो जो आपको अच्छा लगे, बी भी लिख दो, दोनों जो आपको पसंद हो, ठीक। गैलन, गैलन का मतलब डब्बा होता है और बाउल का मतलब भी डब्बा होता है, जो भी ले लो। तो ये दोनों मैंने सिंबल में से लिख दिया, आपको जो अच्छा लगे कर लो। इसका भी मतलब क्या होगा, पहले कितना पानी बढ़ा घटा, कितना पानी बढ़ा घटा, और ये जब इसकी बात करते हैं, बर्तन के प्रसार की बात करते हैं, तो बर्तन का वास्तविक आयतन क्या था, ये बर्तन का वास्तविक आयतन है शुरू वाला, बर्तन का प्रारंभिक आयतन, ये बर्तन का प्रारंभिक आयतन है, क्योंकि बर्तन का बड़ा जरूरी है प्रारंभिक।
ये चीज़ें, और यहाँ पे टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितनी आवश्यकता है, वो तो सवालों में दिया होगा। तीनों के लिए कंप्लीट रिलेशन समाप्त। तो बड़ा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कंक्लूजन भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, एकदम एग्जैक्ट वही फार्मूला, वही घिसा पिटा फार्मूला। रियल की बात करें तो कितना वास्तव में आपको फील हो रहा है वो वाला परिवर्तन, ये तो डब्बा फिक्स ही रहेगा भाई। वी का मतलब क्या है? प्रारंभिक है, प्रारंभिक तो शुरू में दिया होगा, कितना फिक्स है, ठीक। टी चेंज इन टेम्परेचर, वही चीज़ यहाँ पे। आभासी, आभासी में क्या आभास हुआ, पानी में कितना आभासी परिवर्तन हुआ, दैट दिस इज रियल, दिस इज रियल। अब पूछे बर्तन का प्रसार, तो वही सेम चीज़, बर्तन में कितना हुआ प्रसार, ये लिख दो, वास्तविक बर्तन का आयतन, टेम्परेचर, तीनों रिलेशन सेम, कुछ खास इसमें है नहीं। इसमें प्रैक्टिस, इसमें कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब इसके सवाल आप एग्जांपल्स देख के लगाएंगे, देख कर, सुन लो, देख कर। जब आप एग्जांपल देख कर लगाएंगे तब ये सोल्यूशन क्लियर होगा कि आखिर फार्मूला कैसे मैच खाता है, कैसे ये सवाल हम समझेंगे। तो फार्मूले वाले सवाल हैं ये, बिल्कुल बच्चों वाले, ठीक। तो ये दो टॉपिक आपका कम्प्लीटली समाप्त। एक चीज़ आपको बस एक नोट और लिखवा देता हूँ, एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूँ, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, आप तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। नोट, ये नोट है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट कर दे रहा हूँ, चलो ये भी इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट नोट है, इम्पॉर्टेंट नोट। एक रूल कहा जाता है कि अगर हम कोई बॉडी को गर्म कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, किताबों में लिखा है, कोई बॉडी है, बॉडी मतलब वस्तु, कुछ भी कह लो, कोई वस्तु है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, बॉडी को गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने पर क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका आयतन लगातार बढ़ रहा है, आयतन, समझना, कोई बॉडी है गर्म किए, आयतन लगातार बढ़ रहा है। तो इस केस में आपसे एक रिलेशन पूछता है, व्हाट इज़ डेंसिटी, तो घनत्व के बारे में तुम क्या बोल सकते हो ये बताओ मुझे। अगर हम कहते हैं कोई भी ऐसी बॉडी है जो कि गर्म करने पे आयतन लगातार बढ़ रहा है, तो उसके घनत्व के बारे में क्या बोल सकते हो, तो हम ये बोल सकते हैं डी ऑफ टी टेम्परेचर इज इक्वल टू डी नॉट 1+γ(Δt)। ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये रिलेशन, और ठीक, बस ये रिलेशन। डी टी क्या है, डेंसिटी एट टी टेम्परेचर, टी मतलब ये जो भी लिखा है टी टेम्परेचर। डी नॉट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर पर डेंसिटी एट 0°C या 0°K, जो भी कह दो दोनों में से, ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर। एंड उसके बाद जो गामा है यहाँ पे, दिस गामा इज कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब इसको हिंदी में ज़रूर लिख दे रहा हूँ, ये आयतन प्रसार गुणांक है, किसका, वस्तु का, आयतन प्रसार गुणांक है किसका, जिस वस्तु को आप ले रहे हो, ये वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक होगा, गामा दिया होगा, ये ऑलवेज गिवन होगा न्यूमेरिकल में, ये ऑलवेज गिवन होगा, इस बात को नोट कर लीजिए आप। और इसी को कहता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम, इसी हेडिंग को कहता है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम, इसी रिलेशन को कहता है, जो मैंने ये लिखा है ना डी टी बराबर डी नॉट 1-α(T), इसी डेरिवेशन को कहता है वो छोटा सा डेरिवेशन। कोई भी वस्तु है दुनिया का, गर्म करने पे आयतन बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्टली उसके घनत्व के बारे में बता सकते हो, कैसे, फ्रॉम दिस गिवन रिलेशन। इस रिलेशन को हम बहुत बार पढ़े हैं,
फील करो थोड़ा सा, इंटर जो बच्चे इंटर पढ़े होंगे, जो इंटर के बाद IRT देंगे वो पढ़े हैं सीरियस में बहुत बार, याद करो स्पीड ऑफ साउंड में वी ऑफ एट वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी टेम्परेचर इज इक्वल टू वी नॉट वन माइनस गामा इंटू टी, यही रिलेशन होता था, कुछ और नहीं होता था। ठीक, गामा हमारा कहाँ है इस केस के लिए, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, हिंदी में वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक। ये DT क्या है, डेंसिटी एट टी टेम्परेचर। डी नॉट क्या है, डेंसिटी एट 0°C या 0°K। अब इसके बाद एक बात बच्चों याद आई है मुझे, अभी याद आया है, जस्ट कोइंसिडेंस हुआ है ऐसा, और कोइंसिडेंस क्या मैंने देखा था, इसीलिए बहुत दिन बाद मैंने पढ़ाया तो एक्चुअली भूल जाता हूँ कि कौन से टॉपिक मैंने कब पढ़ाए हैं, और कई बैचेस हैं मेरे ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे, तो मिक्सअप हो जाता है, और आप सभी को पता है कि बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ। एक्चुअल में जब मैंने पिछला क्लास पढ़ाया था तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ट्रांसमिशन ऑफ हीट, आप सभी को याद होगा ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थोड़ा लिख देता हूँ, छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग मेरा कहीं इधर उधर हो गया था मे बी। अब ये मत कहिएगा कि सर गलती कर दिए, सर गलत पढ़ाते हैं, प्लीज़ हम्बली आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम यू, हम आपसे भाई प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी गलती है, हो गई मुझसे गलती, बट ये मत समझिएगा कि सर गलत पढ़ा दिए, सर को आता नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। हुआ क्या कि एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था, मालूम नहीं कैसे मैंने जो फार्मूला लिखा वो गलत बस लिख दिया, पढ़े एकदम सही फार्मूला है, वो फार्मूला गलत नहीं है, बस मैंने गलत लिख दिया है, कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए पूरा ही रिपीट कर देता हूँ। इसको आप ये लिख लेना, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, जिसको हम कहते हैं ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण। चलिए बस एक मिनट का टॉपिक है, कुछ खास नहीं है, पढ़े हो एकदम सही, मैंने लिखवाया भी सही, आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर, किताबों में सही लिखा है, बस हुआ क्या था ना कि माइंड में कुछ और होने की वजह से मैंने एक क्वांटिटी इधर उधर कर दिया था, वही मिस्टेक था। चलिए हम बात करते हैं किसी सॉलिड में टेम्परेचर के मतलब क्या करते हैं ट्रांसमिशन का। मैंने मान लिया ये कोई वस्तु है, मैंने मान लिया ये कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि हीट फ्लो करे, क्या हो, हीट ट्रांसमिशन हो, देखो हीट ट्रांसमिशन, तो क्या करना पड़ेगा ज़रा समझना। हीट ट्रांसमिशन के लिए ऐसे अगर हम मानते हैं कि हीट एक्सपेंड हो, जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई वस्तु है, चाहे ऐसे हीट एक्सपेंड हो, चाहे ऐसे हो, चाहे जैसे भी हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, नो मैटर, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो यहाँ पे हीट इस बात पे डिपेंड करती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक तो इस बात पे डिपेंड करती है कि बॉडी का लेंथ कितना है, पहली चीज, वस्तु की लेंथ कितना है, पहली चीज, फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका सरफेस एरिया कितना है, ये जो वस्तु लिए हो उसका एरिया कितना है, इस पे भी डिपेंड करती है, ये कोई भी वस्तु है उसका एरिया कैसा है, एरिया, तो हमने मान लिया एरिया, यहाँ भी एरिया सेम, वहाँ भी एरिया सेम, एरिया, इस पे डिपेंड करता है। और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट के लिए वेरी एंड वेरी मस्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट के लिए वेरी वेरी मस्ट है, ये रिवीजन टॉपिक है एक तरह से, मस्ट है, हीट तभी फ्लो कर सकता है, हीट तभी स्थानांतरण हो सकता है, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस अकर्स, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस अकर्स, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट आपकी ट्रांसफ़र होगी ही नहीं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे हीट भी डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज़ थीटा वन, दैट इज़ थीटा टू, दैट इज़ थीटा वन, दैट इज़ थीटा टू, और हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मैंने पढ़ाया है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट always flow from higher temperature to lower temperature, heat always flow from higher temperature to lower temperature, ये fixed concept है। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
हीट तभी फ्लो करेगा, क्योंकि हीट के डेफिनेशन में ही कहा गया है हीट तभी फ्लो करता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस अकर्स, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तभी हीट फ्लो करेगा। तो अब ज़रा समझना, ये क्या है हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो जो भी चीज़ें हैं अब यहाँ से रिलेशन आपके लिए जो न्यूमेरिकल में तुम्हारे लिए हेल्प देगा मैं लिखने जा रहा हूँ। Q is directly proportional to area, पहला रिलेशन। एरिया जो भी बॉडी है उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, और A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको किताबों में अच्छे लैंग्वेज में कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक, सरफेस एरिया। Q is directly proportional to डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का मतलब या तो थीटा टू माइनस थीटा वन या तो थीटा वन माइनस थीटा टू, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, ठीक, ये बातें। और हमारा चीज़ें ये जो टॉपिक है किन किन मेजर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन मेजर फैक्टर्स पे, चलिए ये इस बात पे भी डिपेंड करता है टाइम के साथ, कितना आपने टाइम दिया है, मतलब ये टेम्परेचर जब आप डिफरेंस कर रहे थे तो ये कितना समय आपने लिया, इस पर भी डिपेंड करता है। और ये लेंथ के साथ इन्वर्सली रिलेशन रखता है, ये चार रिलेशंस हैं 1 2 3 4, चार रिलेशंस हैं, इन चार रिलेशंस को आपको रिमेम्बर रखना है। और इन चार रिलेशन से आप गौर से देखो, यही हीट है, अमाउंट ऑफ हीट, इसको क्या कहते हैं ऊष्मा की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अमाउंट ऑफ हीट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ बॉडी। तो इन चारों रिलेशन को जब मिला दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो मेरा जो दिल कहता है, दिमाग कहता है, वो ये कहेगा कि क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा थीटा इंटू टी डिवाइड बाई एल, और इसको हटाने के लिए कोफिशेंट आएगा कि नहीं, तो क्यू बराबर के ए डेल्टा थीटा इंटू टी डिवाइड बाई एल, और यहाँ से हम लिख सकते हैं के बराबर क्यू इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। और ये रिलेशन ही हमारा क्या कहलाता है, थर्मल ऑफ कोफिशियंट, सॉरी ट्रांसमिशन ऑफ हीट कोफिशियंट, यही है आपका, कि यही छोटा सा फॉर्मूला मुझसे मिस्टेक हुआ था, वहाँ पर हमने क्या किया था, हमने Q बाई टी निकाल दिया था या Q बाई एल हमने डिफाइन कर दिया था, उस डेरिवेशन में पुराने फार्मूले में पुराने वीडियो हमसे यही गलती हुई थी, पढ़े सेम सब कुछ यही थे, बस यहाँ पर डिफाइन करते समय हमने Q बाई टी निकाल दिया था, यही हमसे गलती हुई थी। तो अब आप याद रखिएगा ट्रांसमिशन ऑफ हीट का यही फार्मूला है जो आपके सवाल सिर्फ इतने से फोड़ देगा, इसमें बहुत कुछ हैं तो बहुत हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट आपके आईआरटी के सिलेबस में इससे ज़्यादा है ही नहीं, सवाल ही इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप हाँ यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ जो बातें आपको याद रखना है, तुम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सॉलिड ले लो, हॉलो ले लो, लीनियर ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, कुछ भी ले लो, अमाउंट ऑफ हीट क्यों डिपेंड करेगा उस बॉडी के एरिया पे, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा हीट लगेगा। हाँ ये सब पॉइंट याद रखो, सारे पॉइंट दिमाग में बैठा लो, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा हीट, जितना टेम्परेचर डिफरेंस उतना हीट, टेम्परेचर डिफरेंस ये देख रहा ना थीटा वन थीटा टू, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डिफरेंस। कितना समय लगता है, जैसे एक चीज़ समझो, अगर कोई बॉडी शुरू में 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 2 से 10 पहुंचेगा तो भी तो समय लगेगा ना भाई, तुरंत तो 10 पहुंच नहीं जाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाते समय आपने कितना समय लिया, ये चीज़ें। और साथ ही साथ लेंथ के, इस बॉडी के लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चारों रिलेशन मिला दो ये रिलेशन बनेगा, और यहाँ से जो के आता है दैट के इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस फार्मूला। अब आपकी मर्जी है, चाहे ऊपर वाले फार्मूले से न्यूमेरिकल लगा लो, चाहे इससे चाहे इससे, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट का, जो आपके लेवल पे पूछा जाता है, आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक 90% कंप्लीट, एक वीडियो में मैं पूरा समाप्त इसको कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए,
थर्मोडायनेमिक आपकी समाप्ति है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब हमें पढ़ना है अणुगति सिद्धांत, क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये बचा हुआ है। थर्मोडायनेमिक तो ये समाप्त ही है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक समाप्त है, थर्मोडायनेमिक 100% समाप्त है, अब बचा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम कहाँ पे थे, हाँ यूनिट पे, आपसे के का मात्रक पूछता है, एग्जैक्टली के का मात्रक आपसे पूछता है, के का मात्रक, तो के का मात्रक बस यहीं से कॉपी कर लो, यहीं से कॉपी कर लो, कुछ खास नहीं है, किलो कैलोरी इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसे ही कुछ बनेगा। चलिए क्यू का यूनिट क्या होगा, किलो कैलोरी, देख लो मैं फॉर्मूले से बना रहा हूँ, किलो कैलोरी, बगल में क्या है मीटर, हाँ सर मीटर, डिवाइड बाई एरिया है, एरिया का मीटर स्क्वायर, सही है। और क्या है थीटा, थीटा के लिए डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे केल्विन लिखो, आंसर आपका सेम होगा, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड रखो चाहे केल्विन, दोनों का आंसर सेम होगा। और टी है, टी के लिए सेकेंड। अब एक बात बताओ, मीटर से ये कट जाएगा क्या, याद रखो मात्रक बन गया तुम्हारा, मात्रक तुम्हारा बन गया, यूनिट बन गया किलो कैलोरी, केसी, केसी का मतलब किलो कैलोरी, ठीक, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी डिवाइड बाई मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकेंड, आंसर, ये आंसर है तुम्हारा, आंसर नोट कर लीजिएगा इसको, किलो कैलोरी है ये, केसी का मतलब किलो कैलोरी। और कुछ किताब वाले इसी को क्या करेंगे, किलो कैलोरी डिवाइड बाय मीटर इनटू केल्विन, यही केल्विन, बस ये सी की जगह के कर देंगे, सेम मात्रक मैंने पहले ही लिख दिया, सेंटीग्रेड रखो चाहे केल्विन रखो, दोनों केस में आंसर सेम, ठीक। तो एक मात्रक ये याद रखो, और दूसरा मात्रक जो आपको याद रखना है, ये ज़रूर मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लो, वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, के का दूसरा मात्रक जो आपको याद रखना है, के का दूसरा मात्रक वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों के का मात्रक आप याद रखना दोनों बेटा। एक तो ये किलो कैलोरी, ध्यान से देख लो ये बड़ा लिखा है, ज़्यादा अच्छा है, किलो कैलोरी, मीटर से मीटर कट गया, एक काम करते हैं मैं गायब कर देता हूँ, जब कट गया तो अब काट ही देता हूँ, ये देखो गट कट गया, किलो कैलोरी डिवाइड बाय मीटर इनटू डिग्री सेंटीग्रेड इनटू सेकंड, ये आपका आंसर है, ठीक है। और वो केल्विन भी रख सकता है, तो एक ये याद रखो और एक ये याद रखो, एग्जैक्टली, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मेरा यहाँ पे समाप्त, तो थर्मोडायनेमिक कम्प्लीटली मेरा समाप्त हो चुका है। अब नाउ प्रेजेंट एट दिस पॉइंट, एट दिस लास्ट पॉइंट, थर्मोडायनेमिकली इज कम्प्लीट एंड कम्प्लीट समापन मेरे टॉपिक का। तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडी कर लेंगे, एंड इसके बाद जो छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पर, थैंक यू।